पंजाब की जेलें पहले वीआईपी कल्चर गैंगस्टर्स के लिए, उनको वहाँ पर पिज़्ज़ा, इंस्टाग्राम, मोबाइल, हर तरह की सहूलतें थीं। सबको याद होगा मैंने विधानसभा में पूरे देश को बताया कि कैसे पंजाब की जेलों को यूज़ किया गया। 2.25 साल देश के नामी गैंगस्टर वहाँ रखे गए और हर तरह की सहूलत, एक तरीके से उनका ऑफिस वहाँ से ऑपरेट होता था। पर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, भगवंत मान हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जेल विभाग की अहम जिम्मेदारी मुझे दिया, उस दिन से हमने ये सुनिश्चित किया है कि सबसे पहले पंजाब की जेलों में वीआईपी कल्चर ख़त्म हो। चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई गैंगस्टर हो, सबको एक समान, उनको जो जेल मैनुअल, जिस तरीके से जेल मैनुअल कहता है, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। और उसमें हमने बहुत सारे लोगों की बैरकें चेंज की, जो वीआईपी बैरक्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया। और सबको, आज से पहले ये होता था कि जेलों में गैंगस्टरों का राज होता था, जेल के बाहर तो लिखा होता था सुधारगढ़, पर वो किसी अलग अलग गैंग्स उसको ऑपरेट करते थे। पहली बार है हमारे अधिकारियों ने, इस बार हमारे अधिकारियों का मॉरल और उनकी, मैं उनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ जिन्होंने पूरा अनुशासन बना दिया है। और अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस है, बहुत जल्द वो दिन भी आएगा जब हम आपको कह देंगे कि पंजाब की जेलें मोबाइल मुक्त हैं, नशा मुक्त हैं और क्राइम फ्री हैं। पहले गाने बनते थे कि जेलों में से फ़ोन आएगा, अब जेलों से सुकून आएगा, ये हमारी गारंटी थी। और हम दिन रात इसके ऊपर काम कर रहे हैं और दुनिया की कोई ताकत, मैं भगवान से डर कर कहता हूँ, हमें इस काम को करने से रोक नहीं सकती। इस तरह से आपको भी धमकी मिली है, डिजिटल धमकी मिली है, आम लोगों का कत्ल हो जाता है पंजाब में, गोलियाँ चल जाती है सरेआम, इसको मैं आपको बता दूँ, हमारी पंजाब पुलिस देश की सबसे बहादुर फोर्स है और हमें अपनी पुलिस फोर्स के ऊपर गर्व है, उनकी बहादुरी पर गर्व है। ये वो पुलिस फोर्स है जिसने बहुत कुछ देखा है। रोज़ हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो हमारे खिलाफ साजिश करता है ये, पर पंजाब पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है। हमारे डीजीपी से लेकर एक हर एक कांस्टेबल तक बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब देश का सबसे सुरक्षित सूबा पंजाब होगा। तो क्या ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जेल में आपने नखेल कसी है गैंगस्टर्स पे, उनकी बैरिंग चेंज कर दिए, मोबाइल फोन बंद हो गए जेल में, इसी यही कारण मान सकते हैं सर जो आपको धमकी मिली है? बिल्कुल यही कारण है, और पर यह सिलसिला रुकेगा नहीं। और मैं अपने उस इस काम के लिए मैं अपने सारे जेल के सारे अधिकारियों का, उनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। अभी तक उन सबके हाथ बांध रखे थे और वो मुझे आकर बताते थे कि कैसे गैंगस्टर उन पर राज करते थे और वो चाहते हुए भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण थे। पर अब पहली बार ही हुआ है कि जेलों में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुआ है और अभी आप देखिए बदलाव कहाँ तक जाएगा।